हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी मेंस के लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज वन हेल्थ। तो देखिए, जिस तरह से जो है नोबल कोरोना वायरस जो है पूरे वर्ल्ड में जो है एकदम से फैल गया, उसके बाद जो है इस जो कंसेप्ट है वन हेल्थ, इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है। और आज का जो वर्ल्ड है वो हमें एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड देखने को मिलता है। और किसी भी वायरस की आउटब्रेक या किसी भी डिजीज की आउटब्रेक किसी एक कंट्री में होती है, और खासकर अगर वो कम्युनिकेबल हो, फैलने वाला हो, तो एकदम से वो जो है पूरे वर्ल्ड में जो है फैल सकता है। ये हमें नोवल कोरोना वायरस ने जो है सिखा दिया है। तो लगातार जो है वन हेल्थ के ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, तो इस वीडियो में आपका क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि वन हेल्थ है क्या और किस तरह की अप्रोच जो है वर्ल्ड वाइड इसके लिए अपनाई जा रही है और इंडिया ने इसके लिए क्या कदम उठाए हुए हैं। आप द हिंदू का 4 मई 2021 का जो है न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं, वन हेल्थ अप्रोच दैट टारगेट्स पीपल्स एंड एनिमल्स। तो लगातार जो है 2020 और 2021 में बहुत सारे आर्टिकल जो वन हेल्थ के ऊपर जो पब्लिश हो चुके हैं, तो अपने आप ये टॉपिक जो है यूपीएससी मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए, वन हेल्थ जो है एक ऐसी अप्रोच है दैट रिकॉग्नाइज दी हेल्थ ऑफ पीपल इज क्लोजली कनेक्टेड टू दी हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड अवर शेयर्ड एनवायरमेंट। तो ये जो डेफिनेशन आप इसको पेन डाउन कर सकते हैं, वन हेल्थ एक ऐसी अप्रोच है जो बोलती है कि जो हेल्थ जो रहती है, जो स्वास्थ्य जो है लोगों का, मनुष्य का, वो जो है काफी क्लोजली कनेक्टेड है, काफी जो है क्लोजली जुड़ा हुआ है ये विद द हेल्थ ऑफ द एनिमल एज वेल एज अवर शेयर्ड एनवायरमेंट। तो ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, एग्जामिनेशन में आएगी तो आपने इसी को ही पेन डाउन करना है कि वन हेल्थ इज एन अप्रोच दैट रिकॉग्नाइजेस दैट द हेल्थ ऑफ पीपल इज क्लोजली कनेक्टेड टू द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड अवर शेयर्ड एनवायरमेंट। तो इस तरह से एक वेन डायग्राम भी जो आप जो इसमें जो बना सकते हैं। तो देखिए, ये है ह्यूमन हेल्थ, ये जो पूरा सर्कल है यहां पर, दिस इज ह्यूमन हेल्थ, दिस इज एनिमल हेल्थ, और यहाँ ऊपर एनवायरमेंट हेल्थ हमें देखने को मिलती है, और जो ओवरलैप फिर इसमें जो है ये सर्कल जो है कर जाएगा, इसको बोल देंगे वन हेल्थ। और ये जो डायग्राम होता है इस तरह का, इसको हम वेन डायग्राम भी जो है बोल देते हैं। तो इस तरह का आप जो है डायग्राम भी बना सकते हैं। तो दिस इज वन हेल्थ। तो वन हेल्थ एक ऐसी अप्रोच है जो रिकोगनाइज करती है कि जो हेल्थ, जो ह्यूमन हेल्थ है, वो क्लोजली रिलेटेड है विद द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड विद द एनवायरमेंटल हेल्थ। तो देखिए, ये बिल्कुल ट्रू जो है फैक्ट है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो नोवल कोरोना वायरस है वो जिस तरह से फैला, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है जूनोटिक डिजीज है, अभी तक इसके ऊपर जो है कोई पुष्टि नहीं हुई, अभी तक इसकी जो है इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे डिजीज आउटब्रेक हमने देखे, निपा वायरस जो है आउटब्रेक जो है रिसेंटली हुआ था, उसके बाद जीका वायरस आउटब्रेक 1516 में हमें जो देखने को मिला। तो वायरस जो है एनिमल से ह्यूमन में और फिर ह्यूमन से ह्यूमन में एक जो है चेंज जो है बन जाती है, और इससे हमें पता लगता है कि जो एनिमल हेल्थ है और जो ह्यूमन हेल्थ है और एनवायरमेंट हेल्थ है, ये जो है काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो वन हेल्थ अप्रोच बोलती है कि एक मल्टी डायमेंशनल जो है मल्टी सेक्टरल अप्रोच होनी चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ही फोकस करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एनिमल हेल्थ भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट की हेल्थ भी जो है काफी ज्यादा जरूरी है। तो एनिमल हेल्थ में जो है हम जो है एनिमल डिजीज के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, और जो एनिमल्स हैं उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, अगर किसी फॉरेस्ट में कोई जानवर मर रहे हैं तो एकदम उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उनमें किस डिजीज के कारण जो है बीमारी फैल रही है, और जो वेटरनरी साइंसेज है उनके ऊपर जो हम इसमें जो फोकस करके चलना चाहिए। इससे जो देखिए डायरेक्टली जो है इंपैक्ट जो है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी रहेगा, हमें जो है पूरा पूरा फोकस सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नहीं करना है, मल्टी सेक्टरल अप्रोच इसमें अपनानी है, ये वन हेल्थ का जो है कंसेप्ट जो बोलता है। और इसके साथ साथ ये जो है एनवायरमेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं, हमारा जो वातावरण है वो साफ सुथरा होना चाहिए, एफोरेस्टेशन होनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, पानी को साफ रखना चाहिए, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से रिलेटेड। आप सपोज कीजिए कि पानी में अगर कोई मछली जो है किसी डिजीज से इन्फेक्टेड है और उसको जो है कोई और जानवर खा लेता है या मनुष्य खा लेता है, तो वो भी उसके द्वारा जो इफेक्टेड हो सकते हैं। या वन हेल्थ की डेफिनेशन देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, वन हेल्थ एक ऐसी अप्रोच है, वन हेल्थ इज एन अप्रोच टू डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग। तो इस तरह से जो है पॉलिसीज को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज और लेजिस्लेशन को जो है इस तरह से डिजाइन करना, और रिसर्च को भी जो है इस तरह से डिजाइन और इंप्लीमेंट करना जिसके कारण जो है मल्टीपल सेक्टर जो है कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे के साथ जो है संपर्क रख सकें और वर्क कर सकें एक दूसरे के साथ टू अचीव बेटर पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। तो इस डेफिनेशन को भी आप पेन डाउन कर सकते हैं, लेकिन देखिए जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आपने जितना सिंप्लिसिटी में आप आंसर लिखे उतना अच्छा होना चाहिए, आपके जो आंसर है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, जरूरी है कि आपने यही डेफिनेशन जो रखनी है, आपको सिंपली पता होना चाहिए कि वन हेल्थ एक ऐसी अप्रोच है जो रिकॉग्नाइज करती है कि जो हेल्थ ऑफ, जो ह्यूमन हेल्थ है वो क्लोजली रिलेटेड है विद द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड अवर शेयर्ड एनवायरमेंट, जिसमें हम जो है
रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके साथ आप बोल सकते हैं कि बोलती है कि एक मल्टी सेक्टरल और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाने की जरूरत है, जिसमें हमें ऐसी प्रोग्राम पॉलिसीज और लेजिस्लेशन अपनानी चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसके तहत जो है डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, मल्टीपल जो सेक्टर्स हैं, चाहे वेटनरी सेक्टर है, चाहे हमारा हेल्थ सेक्टर है या अदर रिसर्च सेक्टर्स हैं, वो जो आपस में कम्युनिकेट कर सके और वर्क कर सके एक साथ में, ताकि बेटर हेल्थ आउटकम्स जो है अचीव की जा सके। और देखिए ये जो वन हेल्थ का ये जो विजन है, इसको ड्राइव किया गया है फ्रॉम दी ट्राई पार्टी, तीन पार्टियां जहां पर होती हैं उसको ट्राई पार्टी हम बोलते हैं। तो ट्राई पार्टी जो एग्रीमेंट हुई बिटवीन दी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी एनिमल हेल्थ, तो इनके बीच में जो है एक जो है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुई और इन्होंने इसमें सहमति जताई कि वन हेल्थ का जो विजन है उसको डिराइव करने की जरूरत है, वन हेल्थ अप्रोच को अपनाना जरूरी है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना, ये जो है 16 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश हुई है और हेडक्वार्टर आपको इसकी जो रोम इटली में देखने को मिलेंगे, और ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो जनरली जो है आपकी फूड और हंगर की फील्ड में जो है वर्क करती है, टू एलिमिनेट दी ग्लोबल हंगर। और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, ये एनिमल्स की हेल्थ से रिलेटेड फील्ड में वर्क करती है, 1924 में एस्टैब्लिश हुई है और पेरिस में आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को एस्टैब्लिश हुई है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है आपको इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे। और ये जो है डील करती है विद द रेगुलेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड पब्लिक हेल्थ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के द्वारा जो है 2004 में जो है वन वर्ल्ड वन हेल्थ का जो कंसेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इस टर्म को जो है फर्स्ट टाइम जो इनके द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये नाम जरूर याद रखना आपने, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, ये क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इसमें देखिए 12 रिकमेंडेशन इनके द्वारा दी गई थी, जिनको जो हम मनहट्टन जो प्रिंसिपल्स हैं ये बोलते हैं। मनहट्टन आपको जो है एक प्लेस मिल जाएगा न्यूयॉर्क में, वहां पर ये जो है प्रिंसिपल जो है साइन हुए, तो वहां से इनको अडॉप्ट किया गया। तो ये जो मनहट्टन प्रिंसिपल है ये आपने ध्यान रखना, ये वन हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रिंसिपल्स हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेडक्वार्टर जो है ब्रोंक्स जू इन न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेंगे। और इसका मेन एम जो रहता है ये रहता है टू कंजर्व द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड प्लेसेस इन 14 प्रायोरिटी रीजंस, और इसको 1895 में जो है न्यू यॉर्क जूलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा जो है फाउंड किया गया था। पहले जो है इसका नाम जो है न्यूयॉर्क जूलॉजिकल सोसाइटी जो रखा गया था इनके फाउंडर के द्वारा, सीईओ क्रिस्टन सेम्पर के द्वारा, बाद में जो है इसको जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी जो इसका नाम जो है कर दिया गया। तो ये जो है 1895 में एस्टैब्लिश हुआ है, और थोड़ा सा आपको बताना चाहिए इसके जो है ब्रोंक्स जू न्यूयॉर्क में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। वन वर्ल्ड वन हेल्थ अप्रोच इनके द्वारा लाई गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनके मनहट्टन प्रिंसिपल जो कि रिलेटेड है हमारे वन हेल्थ से। ये 12 मनहट्टन प्रिंसिपल से आप अपनी स्क्रीन पाउज करके इनको पढ़ सकते हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगर आपने मेंस में भी इनको पेन डाउन करना होगा तो आप बोल सकते हैं कि जो मनहट्टन प्रिंसिपल्स है उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उसमें जो एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ जिस तरह से रिलेट की गई है उसको हमें वर्क करना चाहिए। और देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कही गई है कि मास कलिंग यानी कि बहुत लार्ज स्केल के ऊपर जो है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को नहीं मारा जाना चाहिए फॉर डिजीज कंट्रोल। देखिए बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे डिजीज अगर किसी एनिमल स्पीसीज में अगर फैल जाता है तो उस स्पीसीज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जो है हमारे द्वारा जो मार दिया जाता, तो इसके अगेंस्ट भी जो इन्होंने इसमें जो बात कही है। और देखिए जो जूनोटिक डिजीजेज होते हैं, जूनोटिक डिजीज ऐसे डिजीजेज होते हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन में जो है ट्रांसफर होते हैं, फैलते हैं, स्पिल ओवर करते हैं, उनको हम जूनोटिक डिजीज बोल देते हैं। और मोर देन 60% ऑफ द इमर्जिंग इन्फेक्शन जो हमें देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया में जूनोटिक डिजीज है, यानी कि 60% ऑफ डिजीज जो ह्यूमन बींग्स में फैले वो एनिमल से ही फैलते हैं, वर्ल्ड वाइड आप बात करते हैं। तो जूनोटिक डिजीज देखिए ऐसे डिजीज होते हैं जो कि एनिमल से ट्रांसफर होंगे ह्यूमन बींग्स में, और वर्ल्ड वाइड 60% ऑफ द डिजीज को ये जो है जन्म देते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो इस तरह से एक चेन होती है ह्यूमन एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स। और देखिए इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब जो है ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी होगी हमारी वाइल्ड लाइफ के साथ, लगातार जो है इंसानों के द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, लगातार जो है जो हैबिटेट है एनिमल्स का उसको हम जो है खत्म कर रहे हैं, तो जो एनिमल्स हैं वो हमारे काफी करीब आ गए हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है हमारे नजदीक आ गए हैं। और देखिए ऐसा भी माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण अगर सी लेवल राइज होगी तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है वो भी साउथ की तरफ सॉरी नॉर्थ की तरफ जो है मूव करेंगे, तो जहां पर उनको लैंड मिलेगा उस तरफ वो मूव करेंगे। तो इस तरह से जब हमारी जो नजदीकियां हैं वाइल्ड लाइफ के साथ बढ़ेगी और हम ज्यादा इंटरफेरेंस जो है प्रकृति के साथ करेंगे, नेचर के साथ करेंगे, तो नेचुरली जो एनिमल से डिजीज जो है ह्यूमन बींग्स में ये जो ज्यादा फैलेंगे। तो बहुत बड़ा आंकड़ा ये है, 60% जो इमर्जिंग जो डिजीज है, कोई भी नए इन्फेक्शन इमर्ज होते हैं वो जूनोटिक ही देखने को मिलते हैं पूरी संसार में हमें। वैसे हम इसे समझ चुके हैं कि क्यों जरूरत है वन हेल्थ कंसेप्ट की, लेकिन आप ऐसे भी समझ लीजिए, देखिए जो हमारे दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि
1.7 मिलियन वायरसेस, यानी कि लगभग 17 लाख के आसपास जो वायरसेस हैं ये जो है वाइल्ड लाइफ में सर्कुलेट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ में ये जो है घूमे हुए हैं, और इनमें से बहुत सारे जो है जूनोटिक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एनिमल्स से ह्यूमन में जो है फैल सकते हैं। तो अगर हम इनकी अगर टाइमली डिटेक्शन नहीं करेंगे तो और भी पेंडेमिक्स जो है भारत एज वेल एज पूरे संसार में जो हमें जो है नियर फ्यूचर जो देखने को मिल सकती है। और एक अनदर कैटेगरी ऑफ डिजीज हमें देखने को मिलते हैं एंथ्रोपोजूनेटिक। एंथ्रोपोजूनेटिक डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं, ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि मनुष्य से ह्यूमन से एनिमल्स में जो है फैलते हैं। जैसे कि आप ट्यूबरक्लोसिस जो है देख लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस जो है आपके ह्यूमन से एनिमल्स में फैल सकता है, ये भी जो है आपका एंथ्रोपोजूनेटिक जो है डिजीज देखने को मिलता है हमें। तो जरूरत मैंने आपको पहले बता दिया क्यों वन हेल्थ कंसेप्ट की जरूरत है। ट्रांसबाउंड्री इंपैक्ट देखने को मिलता है, जैसे आप कोविड 19 को देख सकते हैं एकदम से पूरे वर्ल्ड में फैल गया, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। निपा वायरस आउटब्रेक आप जो है देख सकते हैं जो कि 1998 में जो है सबसे पहले जो है मलेशिया में ऑब्जर्व किया गया था। रिसेंट इसकी आउटब्रेक जो हमें देखने को मिली इवोला वायरस जो कि अफ्रीका में फैल गया था। फिर 2002 में जो है सार्स सिंड्रोम जो है हमें जो देखने को मिला। फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है फैला। फिर एवियन इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू H1N1 जिसको 2009 में WHO के द्वारा पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था। तो किसी भी कंट्री में डिजीज जब भी आउटब्रेक होती है तो एकदम से वो जो है बहुत सारी कंट्रीज में वो फैल जाता है। इसलिए वन हेल्थ कंसेप्ट की जो है बहुत ज्यादा जो जरूरत है, इसको इम्प्लीमेंट करना जो काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए हम अपने भारत की जो है वन हेल्थ फ्रेमवर्क के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए भारत के जो भी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं या हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी जो है किसी भी चीज को भांप लेते हैं। और इंडिया के देखिए जो सिविल सर्विसेज हैं वो काफी हाईली वैल्यूड सिविल सर्विस है, पूरे वर्ल्ड इसको मानता है। क्योंकि आप यहीं से देख सकते हैं कि 1980s में ही जो है एक नेशनल स्टैंडिंग कमेटी जो है जूनोसिस के ऊपर जो है एस्टेब्लिश इंडिया में की जा चुकी है। और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा जो है बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लॉन्च की जा रही है जिससे जो प्रीवलेंस है एनिमल डिजीज की वो कम हो सके। और बहुत ही जल्दी जो है इंडिया में जो है अंडर दी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डिजीज मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल्स वेलफेयर जो रहती है उसके अंदर जो है वन हेल्थ यूनिट जो है बहुत ही जल्दी जो है इस्टेब्लिश की जाएगी। तो ये भी देखिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारी कंट्री की। और देखिए हमारी गवर्नमेंट लगातार जो वेटनरी जो डिपार्टमेंट्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं या वेटनरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगातार अपग्रेड करती है और रिसर्च जो है हमारी कंट्री में कंटिन्यू जो एनिमल डिजीज के ऊपर होती है। और असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और रिसेंटली फंड भी गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन किए गए हैं जिसके तहत जो है सेंटर फॉर वन हेल्थ जो है नागपुर महाराष्ट्र में जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर फॉर वन हेल्थ जो है नागपुर महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब देखिए वे फॉरवर्ड क्या होता है, हो सकता है इस डायरेक्शन में इंडिया के लिए। तो देखिए कंसोलिडेट करने की जो है जो भी डिजीज सर्विलेंस है, जो भी बीमारी को सर्विलेंस करने का जो काम है उसको जो है कंसोलिडेट करने का जो है जरूरत है ताकि अच्छे से जो है मॉनिटर कर सकें डिजीज इन ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। फिर गाइडलाइंस डेवलप करने की जरूरत है ताकि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के द्वारा उस फील्ड में वर्क किया जा सके। होलिस्टिक कोलैबोरेशन होनी चाहिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जो है एक अच्छी कोलैबोरेशन होनी चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जैसे कि सेंटर फॉर वन हेल्थ नागपुर में एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी जो है एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। तो देखिए अंत में हम यही कह सकते हैं जिस तरह से हम जो है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जिसको एक अभी तक रिसेंटली जूनोटिक डिजीज ही माना गया है, हो सकता है कि ये लैब से भी निकला हो क्योंकि इसकी चेन डिटेक्ट नहीं हो रही है। देखिए मेरा आप पर्सनल ओपिनियन मानिए तो मैं भी जितनी मैंने आर्टिकल्स पढ़े मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ इस मैटर में कि ये जूनोटिक है कि नहीं है, क्योंकि चेन ही इसकी डिटेक्ट नहीं होती। अगर ये जानवरों से फैला होता तो जानवरों की चेन तो होती कि ये जानवर है और उनके द्वारा जो फैला हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि चाइना जो है फैक्ट छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी US प्रेसिडेंट जो बाइडेन की अनाउंसमेंट के बाद दोबारा इसके ऊपर जो है रिसर्च होगी और देखते हैं उसमें क्या निकलता है। तो सो फार जो अभी तक जो WHO का भी मानना है या वर्ल्ड का मानना है जूनोटिक डिजीज। तो देखिए इंडिया जो है रिसेंटली सेकंड वेव कोविड 19 से जूझ रहा है, तो ऐसे में जो है अवेयरनेस जनरेशन की जरूरत है और हमें जरूरत है कि हम जो है इन्वेस्टमेंट जो है टुवार्ड्स वन हेल्थ टारगेट्स पे जो है इंक्रीज कर दें, क्योंकि ये जो है नीड ऑफ द आवर हमें जो है देखने को मिलती है। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको वन हेल्थ का कंसेप्ट जो समझाया और किस तरह से आप इसको मीन्स में लिखेंगे वो भी मैंने आपको जो हर एक पॉइंट वाइज जो है इसमें समझा दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह जो आपके लिए जो वैल्यूएबल वीडियोस लेके आऊं जो कि आपको आपके प्रीलियम्स एज वेल एज मेंस में जो हेल्प करेंगे, तो आप जो मेरे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।